लो। पता नहीं आज खुशी से चिल्लाकर रोने का मन कर रहा है। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ए, प्लीज कम ऑन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ए, लोफर निकल ले, धोखा देगा तुझे। शट अप। ओके सुन, उसकी रिपोर्ट निकालने के लिए उसका मेल आईडी और फेसबुक आईडी। क्यों, तू उसे भी नहीं छोड़ेगा? अरे अन्नू सुन तो। मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी। सॉरी यार, उस दिन मैं नर्वस हो गई थी, इसलिए अनजाने में मत। अब तुम्हारे मेरे बीच सब खत्म हो गया। प्लीज राकेश _87@gmail.com। मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। अरे छोड़ ना, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब केमिकल रिएक्शन है। बचपना ही ठीक है तब ये केमिकल्स हमें होते नहीं है, बड़े होते ये केमिकल्स हमारे दिमाग में अलग अलग किस्म के फितूर डालते रहते हैं, जिससे हमें लगता है प्यार सब कुछ है। अगर प्यार करना ही है तो अपने माँ बाप से करो या खुद से करो, उसके अलावा कोई प्यार नहीं होता। हे, देख लेडी देवदास, क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया क्या? और क्या होना था। हे, पहले ही बोला था वो अमेरिकन नहीं, सड़क पे पानी पूरी बेचने वाला लगता है, लेकिन तू हमारी बात मानती नहीं। हे अनु, अरे वो दो स्टेटस डाल के ठीक हो जाएगी, चल तू टिकट बुक कर। अरे अनु यार दरवाजा खोलना। अरे पागल, दरवाजा खोल वरना तोड़ देंगे। छोड़ जाते हैं, लगता पागल हो गई है। चल Your exam starts now. Good morning, sir. Hmm. अरे रे, कुछ नहीं आता, जरा दिखाना। चल हट। नकचड़ी लड़की। ए सिद्धू, सिद्धू थोड़ा दिखाना प्लीज। अरे अभी तो टेस्ट शुरू हुआ यार। अरे कुछ नहीं आता प्लीज। अरे प्लीज थोड़ा तो दिखा दे। अरे माँ कसम, ये क्या है, तू मत देख, तू मत देख। अरे ये क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी, ये नहीं चाहिए। अभी देख, अभी सही आएगा। सर सर, आई गॉट जे टू द ए टू द वी टू द ए जावा आउटपुट, पास कर दो एक नंबर पे। भाई मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना प्लीज। तो फर्स्ट ईयर में क्या? हाँ। अरे इसका मतलब मेरी फोन वाली भी यहीं कहीं बैठी होगी। हे भगवान, मेरे दिमाग की तो बत्ती नहीं जल रही है, मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं तो गई गाँव से। ये क्या? भगवान की लीला तो अपरंपार है। नहीं नहीं, ये तो किसी और ने किया होगा। किसने किया? हाय, ऐसा ही हूँ मैं। तेरा काम है। ओहो, देखो तो कैसे शर्मा रहा है। सर, उसने चीटिंग की है। और ये चश्मेश भी ना उसका पार्टनर नहीं, है। नहीं, झूठ बोल रही है, चीटर है। चलो तुम दोनों प्रिंसिपल के पास। अरे फसादी। इन दोनों को इस कॉलेज में एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए। कैसे बच्चे हैं ये? छी, लेकर चले जाओ। क्या कहा, लेकर चले जाओ? तुम लोगों को जब इस कॉलेज में पढ़ने का हक नहीं है तो तुम्हें जीने का भी कोई हक नहीं है। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। अरे हाथों से मार डालूंगा तुम्हें। मर जाओ। मेरा बेटा कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। मर जाओ। क्या कर रही है? और जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारी मौत की वजह ये जो भगवान है, इस भगवान की बीवी, मेरी बीवी और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा सुसाइड नोट में लिख कर मर जाओ। सर आपकी बीवी का नाम बताइए ना। इज्जत से बात कर। और तुम लोगों के मरते ही इनका पूरा परिवार जेल जाएगा। जेल? 15 दिन रिमांड पर रहेगा, सड़ा हुआ खाना खाएगा। अरे जरूरत पड़ी तो तुम्हें सुधारने के लिए ये भगवान और उसका परिवार फांसी पर भी लटक जाएगा। फांसी पर भी लटक जाएगा? इस बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
आपको तो पता है ना सर, हम किस टाइप की फैमिली को बिलोंग करते हैं। मैं बोर्ड में स्टेट फर्स्ट था, बारहवीं में स्टेट फर्स्ट था, कॉलेज में डिस्टिंक्शन लेकर आया हूँ मैं सर। अरे रे, ऐसा फैमिली बैकग्राउंड है हमारा, और अगर ये नहीं पढ़ेगा तो इसे मरना होगा। छोड़ मुझे, तुझे अपने हाथों से मारूंगा। अगर आप कहें तो कमिटी में बात करके एग्जाम को 6 महीने के लिए बैन कर देते हैं। क्या कहा? 6 महीने? मुझे इस कॉलेज में मार डालो, मार। रुकिए रुकिए रुकिए, उन्हें पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है, उन्हें लेकर यहाँ से चले जाइए। कंफर्म है ना? 100% कंफर्म है। चलो रे, निकल यहाँ से, इसके साथ दिखना मत। सॉरी सिद्धू, मिल गई तुम्हें खुशी, देख लिया मेरे पापा का गुस्सा, पता नहीं कल तक मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। I'm so sorry. Hey, इससे क्या बात कर रहा है? तू घर चल, अभी बताता हूँ तुझे। चल। I'm really happy यार, I'm really happy. क्या खुश क्यों रहे? इतने दिनों से तुझे मारने की इच्छा हो रही थी, और मैं डर रहा था कहीं तू बदले में मुझे ना मार दे। आज तो जी भर के मारा तुझे। पापा, आपके उस मार ने ना लड़की के दिल में प्यार के द्वार खोल दिए। प्यार के द्वार? फिर गड़बड़ कर दी। क्या कहूँ, मुझे तो ठीक से बुराई करना भी नहीं आता। पापा, आपने मुझे इतना मारा पर मुझे एक बार भी चोट नहीं आई। आप मुझसे इतना प्यार जो करते हैं। प्यार प्यार ऐसा कुछ नहीं है। देखा, इमोशनल होके आंखें नम हो गई ना। मेरे लिए प्यार आंखों से बह रहा है। ये शेर कभी होता नहीं है। अच्छा, शेर? शेर तो ढेर हो गया। अच्छा बाबा, सॉरी, अपने आंसू तो पोछ लो। ए, सच में उस लड़की को प्यार हो गया है ना? नजर मत लगाओ, कहीं ब्रेकअप ना हो जाए। ठीक है, तेरी माँ से कह के नजर उतरवा देंगे। अरे क्या कर रहे पापा, सबके सामने कोई देख लेगा तो? कोई देख लेगा तो क्या, तू मेरा बेटा है, कोई भी देखे मुझे परवाह नहीं। मैं पप्पी करूंगा, पापा बात करूंगा। अरे कुछ हो रहा पापा, अरे गिर जाएंगे। तुमने सिद्धू से बात की? उसकी हेल्प के बिना हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है वंदना। समझ गए आप? इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई भी रूल्स नहीं है। जो डांस करने में आपको मजा आता है वही डांस करने के लिए रेडी हो जाइए। तो क्या तैयार हैं आप सब? All you people, are you ready? Let's rock, come on! शिवम, तुम्हें 30 फीट की दूरी पर आना पड़ेगा, तभी हम हैक कर सकते हैं। नॉटी गर्ल, हमेशा गेम खेलती रहती है। लाओ फोन मुझे दो। पता नहीं क्या। Everything will be fine, uncle. Please. आप फिक्र मत कीजिए, हम किसी भी तरह उसे ढूंढ लेंगे। अपना next target यही है। तो plan क्या है? Simple. उसको हार्ट अटैक आने की वजह से उसके दिल पर पैसिफिक रखा है। पैसिफिक क्या होता है पता है? जब दिल की धड़कनें कम हो जाती हैं तो उसे नॉर्मल लाने के लिए पेसमेकर उसके दिल पर करंट पहुंचाती है, जिससे दिल का हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, पर हम ये कैसे कर पाएंगे? इसी स्पेसमेकर को हम हैक करने वाले हैं, क्योंकि स्पेसमेकर भी एक साधारण फोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका भी एक नेटवर्क है। हमें किसी भी तरह उसे हैक करना है, फिर उसके दिल पर कितना करंट पहुंचाना है ये हम डिसाइड करेंगे। तो अगर हमने उसे ज्यादा करंट दिया, हार्ट, चलते हैं, एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। नहीं बेटा। अंकल, अंकल, अंकल क्या हो रहा है आपको? अंकल कुछ बताइए। अंकल क्या हो रहा है बताइए तो। क्या हो रहा है अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज बोलिए अंकल। चलिए अंकल डॉक्टर के पास चलते हैं। Please.
अंकल आप ठीक तो हैं? थैंक यू अंकल, प्लीज क्या हो रहा है कुछ तो बताइए अंकल। नो 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 नो, इसे प्रेस करो। ओके, डोंट वरी अंकल, प्लीज अंकल बताइए ना, हो क्या रहा आपको अंकल? अंकल अंकल जो नशा तुझ में है वो नशा इस शराब में कहां, वो नशा इस शराब में कहां, इस शराब में कहां। सुनिए मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। शैंपू की खुशबू क्या एक बात जरूरी है? बात करनी है, कहा ना। ओके ओके बोलो। सिद्धू बोलो। के बारे में सोचकर मुझे डर लग रहा है, उसकी मस्ती उसकी बदमाशी की कोई लिमिट नहीं। हम दोनों यो यो बॉयज हैं, ऐसे ही रहते हैं। वो क्या क्या गलतियां करता है पता है? मेरी बात सुनो, जितना तुम उसे जानती हो उससे बेहतर मैं उसे जानता हूँ। एक उम्र के बाद जवान लड़के गलतियां करते हैं, उसके मुकाबले वो जो भी कर रहा है बिल्कुल बराबर कर रहा है। और अगर वो अभी गलतियां नहीं करेगा तो कब करेगा? मेरे मरने से पहले मुझे उम्मीद थी आप एक अच्छे पिता बन जाएंगे, लेकिन अब वो उम्मीद नहीं रही। ए, ये आजकल के बच्चों को 10 साल की उम्र होने तक माँ बाप की जरूरत पड़ती है, उसके बाद उन्हें जरूरत पड़ती है पैसे देने वाले ATM मशीन की, बस इतना ही। लेकिन उनकी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए उन्हें जरूरत पड़ती है एक फ्रेंड की, इसीलिए एक अच्छे फ्रेंड की तरह मैं उसके साथ रहता हूँ। उसके साथ बैठकर पीने के लिए? क्यों, उसमें क्या गलत है? एक बात कहूँ, मैं आपके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है। आपका क्या है, आप तो बाप है ना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको उससे प्यार ही नहीं है। ये क्या, तुम हमेशा प्यार नहीं है कहती रहती। सच कह रही हूँ, आपको ना प्यार है ना जिम्मेदारी। तुम क्या जानो मेरे प्यार के बारे में, तुमने सिर्फ 9 महीने उसे अपने पेट में रखा है, मैंने उसे अपना सब कुछ दिया है, तुम्हारा खाना खिलाना रात को उसे सुलाना ये सब दिखाई देता है, लेकिन मेरे जैसे बाप का प्यार तभी दिखाई देता है जब वो बच्चा बीमार पड़ता है, उस बच्चे को अपने हाथ में उठाकर अस्पताल ले जाकर, सिस्टर सिस्टर डॉक्टर साहब मेरी जान चाहो तो ले लो लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा लो, ऐसा जब कहता हूँ तब दिखता है एक बाप का प्यार। लेकिन तुम जब बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो उस बच्चे के साथ बैठकर आंसू बहाती हो, बाप जब अंदर रोता है तो उसके आंसू नजर नहीं आते। आजा बेटा मैं तेरा बाप हूँ, अपने मरते दम तक मैं तुझे बचाऊंगा, ऐसा बोलता है वही होता है बाप। लेकिन ये सब बातें तुम नहीं समझोगी, एक बाप का प्यार बियर की बोतल जैसा होता है, उसे हिलाने पर ही वो बाहर आता है, समझी तुम? जब भी देखो ये करो वो करो दूसरों के साथ कंपेयर करती रहती हो, जिंदगी एक दूसरे पर विश्वास करके ही जी जाती है। मुझे अपने बच्चे पर विश्वास है और किसी को हो ना हो मुझे परवाह नहीं। दुनिया में जब बुरे लोगों का भी अच्छा होता है तो अच्छे लोगों का अच्छा क्यों नहीं होगा, सब अच्छा होगा।